हेलो एचटीटीबी स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता, योर कंप्यूटर टीचर. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज चैप्टर 1, हिस्ट्री एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स. स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम इसको रिवाइज करेंगे. कंप्यूटर के इतिहास और उसकी पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, जैसे कि पहले आदिमानव थे, उसको क्या है, उसने पहले क्या बनाया, व्हील बनाई, फिर कार्ट बनाई, फिर बाइक भी बनाई, फिर उसने क्या है, साइकिल बनाई. इसी तरह जैसे जैसे उसको नीड होती हुई, उसने इन्वेंशन करने स्टार्ट कर दिए. इसी तरह स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में भी क्या है कि उस जितना भी काम होता था हमारा, पहले कैलकुलेशन बेस्ड होता था, तो हमें उस कैलकुलेशन को, हम चाहते थे कि वो फास्ट हो जाए, इसके लिए हमें क्या है, कंप्यूटर की नीड पड़ी. और स्टूडेंट्स, हमारा कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे डेटा को, इन्फॉर्मेशन को क्या है, हमारी को स्टोर करके रखता है. एंड स्टूडेंट्स, जो पहले के कंप्यूटर कैसे थे और आज के मॉडर्न कंप्यूटर कैसे हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट स्टूडेंट्स थे हमारे न्योलिथिक कंप्यूटर और स्टोनहेंज. ये हमारा पहला कंप्यूटर था जिसमें, देखिए स्टूडेंट, इस सर्कुलर पैटर्न के अंदर एक ह्यूज क्या है, हमारा स्टोन है. इसमें क्या आती, सन रेज आती थी, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करते थे. एक ये हमारा प्रिमिटिव कैलेंडर था, इसमें हम मौसम का अनुमान लगाते थे. फिर नेक्स्ट देखिए एबेकस. एबेकस स्टूडेंट्स क्या है, देखिए इसमें बीट्स हैं, इन बीट्स को कैलकुलेशन करते थे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने में हम इसका, एबेकस का यूज करते थे. फिर देखिए फिर क्या आया, नैपियर बोन्स आया. नैपियर बोन्स को स्टूडेंट्स किसने इन्वेंट किया था, जॉन नैपियर ने नैपियर बोन्स बनाया था. इसमें देखिए स्टूडेंट्स कैसा है, उसने क्या किया था, एक 10 रोड्स का एक सेट बनाया था, जिसमें वो क्या क्या हम कैलकुलेशन कर सकते थे, हमें डिवीजन करनी हो, मल्टीप्लीकेशन करनी हो, वो हम इस नैपियर बोन्स में हम कर सकते थे. फिर देखिए स्टूडेंट्स क्या आया, पास्कल्स मैकेनिकल कैलकुलेटर. स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि जैसे पहले न्यूलैथिक आया, फिर बैकस आया, फिर नैपियर बोन्स आया, उनमें चेंजेस होते जा रहे हैं. अब पास्कल्स मैकेनिकल कैलकुलेटर में देखिए क्या है, ये हमारा स्टूडेंट्स कौन है, ब्लेज पास्कल, जो जिसने ये बनाया है मैकेनिकल कैलकुलेटर. इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि हम कोई दो नंबर है, उनको हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वो हम डायरेक्टली कर सकते थे इसमें, पास्कल मैकेनिकल कैलकुलेटर में. फिर देखिए लेबनीज कैलकुलेटर आया, ये क्या है, इसका थोड़ा एडवांस वर्जन है. इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन करनी हो, डिवीजन करनी हो, वो हम इसमें कर सकते हैं लेबनीज कैलकुलेटर में. इसके स्टूडेंट जो इन्वेंटर है वे गॉटफ्राइड विलहेम लेबनीज हैं. इसमें स्टूडेंट्स थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, जैसे पहले उसमें क्या है, ये सर्कल शेप में थे, व्हील्स बने हुए थे, अब इसमें देखिए क्या बने हुए हैं, हमारी 9 टीथ बनी हुई है, जिसके अकॉर्डिंग हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं. फिर देखिए चार्ल्स बैबेज, जो कि हमारा फादर है कंप्यूटर का, इसने स्टूडेंट्स दो इंजन बनाए थे, चार्ल्स बैबेज ने फर्स्ट इंजन बनाया था उसने, डिफरेंस इंजन, फिर सेकेंड बनाया था एनालिटिक इंजन. डिफरेंस इंजन देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, हम स्टीम से कैलकुलेशंस करते थे. फिर एनालिटिक इंजन, इसमें देखिए स्टूडेंट्स कैसे करते हैं हम, इसमें जो भी हम कैलकुलेशन करते थे स्टूडेंट्स, वो क्या है, स्टोर हो जाती थी. और ये किसने बनाया था, हमारा चार्ल्स बैबेज, जिसे हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर. फिर देखिए स्टूडेंट्स फिर कौन आया, हॉलरिथ मशीन आई है हमारी. स्टूडेंट्स ये हॉलरिथ मशीन किसने बनाई है, हरमन हॉलरिथ ने बनाई है. देखिए इसमें क्या होता था, इसमें होल्स होते थे, होल्स से हम हमारी इन्फॉर्मेशन को क्या करते थे, स्टोर करवाते थे. ये स्टूडेंट्स हॉलरिथ जो मशीन है, ये बिजनेस मशीन है एक तरीके की, जिसे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भी कहते हैं. इसका नेम चेंज हो गया था बाद में, हॉलरिथ मशीन से इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गया था. फिर देखिए फिर क्या आया हमारे पास, हार्वर्ड मार्क वन, लुक एट दिस पिक्चर. इसने स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते थे, कोई भी 10 डिजिट की नंबर हमें कुछ भी करवाना है, उसकी मल्टीप्लाई करवानी है, तो हम 5 सेकंड्स के अंदर हम मल्टीप्लाई करवा लेते थे. अब देखिए जैसे स्टूडेंट्स कंप्यूटर के, जैसे जैसे न्यू कंप्यूटर आ रहे हैं, उसमें देखिए चेंजेस हो रहे हैं, अब वो फास्ट कैलकुलेशन कर पा रहे हैं. फिर देखिए NEIC आया, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट, जो NEIC था, इसमें क्या है, जो भी कंप्यूटिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती थी, वो क्या है, उसको सॉल्व कर देता था. फिर देखिए क्या है, एडवेक आया, इलेक्ट्रॉनिक डिफो डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. यहाँ पे देखिए ये कैसा दिखता है, ये भी स्टूडेंट्स हमारे जो जितना भी डेटा है, इंस्ट्रक्शंस है, वो क्या है, कंप्यूटर में स्टोर करवाता था. ये किसने बनाया स्टूडेंट, जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या बना है, एडवेक. फिर देखिए एडसेक आया, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर. लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स, इस कंप्यूटर में हम जितनी भी हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवानी है, इसमें हम मर्करी का यूज करते थे. फिर देखिए क्या आया, यूनिवैक आया, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर,
ये किसने बनाया था? एकर एंड मुशली ने बनाया था 1951 में। ये नॉन मिलिट्री एप्लीकेशन कंप्यूटर है स्टूडेंट्स। फिर देखिए हमारी जनरेशन जो इसकी पीढ़ियां हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जनरेशन कैसे हैं इसके, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। ये स्टूडेंट्स के टाइमिंग है, जैसे 1940 से 56 में आया फर्स्ट जनरेशन, फिर 56 से 63 में आया, फिर 64 से 71, फिर 72 से 85, फिर वो प्रेजेंट में फिफ्थ जनरेशन हमारी चल रही है एंड फ्यूचर एंड बियॉन्ड मीन्स जो आगे चलने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें स्टूडेंट्स अब सर्क्यूलेटरी बताई हुई है, वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे पहले, फिर पंच कार्ड आया डाटा इनपुट करवाने के लिए, फिर आउटपुट करवाने के लिए हम पंच कार्ड का यूज करते थे एज द मेन स्टोरेज, फिर क्या है मैग्नेटिक टैप्स का यूज करते थे। लैंग्वेज कौन सी, मशीन लैंग्वेज यूज करते थे, और जैसे कौन से यूनिवैक, एनईएक, एडवैक। स्टूडेंट्स ये हमें रीड करने की जरूरत नहीं है, बस हमें इसकी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि पहले कौन सा कंप्यूटर आया, फिर उसके बाद कौन सा कंप्यूटर आया, और उनके क्या है इन्वेंशन किसने की है, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर। थैंक यू।